Hello guys, this is me Marut Tiwari welcoming you to channel Let's Crack GATE and ESE. आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे aspirants को ऑब्जर्व करने के बाद over a period of 7 years after observing more than 25,000 aspirants, my dear friends, मैंने नोटिस किया है that aspirants, 9 out of 10 aspirants commit some common mistakes. कुछ common myths हैं, कुछ अफवाहें हैं जो मार्केट में हैं गेट और ईएसई प्रिपरेशन को लेकर. और ऐसा नहीं है कि जानबूझकर अनजाने में ही सही 90% aspirants इन अफवाहों के, इन common myth के शिकार हो जाते हैं. और अनजाने में ही सही वो पूरा साल, प्रिपरेशन के पूरे साल वो ये मिस्टेक करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं. और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनका वो जो डबल डिजिट रैंक का टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है. दैट नेवर गेट्स कंप्लीटेड. सो गाइस, बहुत सारे एस्पायरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को सक्सीड होते हुए भी देखा है और बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को फेल होते हुए भी देखा है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलतियां हैं जो बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, केपेबल स्टूडेंट्स भी करते हैं. तो अगर आप पहले गेट या ईएसई अटेम्प्ट कर चुके हो तो भी ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि आपको दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी. अगर आप पहले गेट और ईएसई के लिए अपीयर नहीं किया है आपने, आगे आप करने वाले हो तो भी ये सेशन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इन दैट केस माई डियर फ्रेंड्स, आपको पहले से पता चल जाएगा दैट कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है हर हाल में. एंड बिलीव मी, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोगों को लगता भी नहीं है कि वो ये गलती कर रहे हैं, लोगों को लगता भी नहीं है कि उनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कुछ गलत है. और बहुत सारे टीचर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो जो कठिन रास्ता है, जो यू नो हार्ड पाथ है, जो डिफिकल्ट पाथ है, उस पर जाने से स्टूडेंट्स को रोकते हैं. स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक आसान रास्ता दिखाना चाहते हैं कि बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. आई एम मारुत तिवारी. आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. आई हैव टॉट मोर देन 200 प्लस बैचेस ऑफ गेट एंड ईएसई सो फार. गेट और ईएसई के लिए 200 से ज्यादा बैचेस की मैंने मेंटरिंग की है, गाइडिंग की है, कोचिंग की है. मल्टीपल टाइम्स गेट क्रैक किया है. एंड आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक गेट इन 75 डेज. गाइज, आप में से जिन लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज डू इंस्टॉल इट. एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो भी कर लें सर, जो गेट 2021 या ईएसई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021 एंड ईएसई 2021, मेक श्योर दैट यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी. गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2021 या फिर इवन 2022, क्योंकि 1 ईयर पैकेज भी अवेलेबल है और 2 ईयर पैकेज भी अवेलेबल है. 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन इज मोर देन वर्थ इट. सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं. एक तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, एक सिस्टमैटिक वे में चलेगी आपकी प्रिपरेशन. ऐसे नहीं कि एडहॉक तरीके से कहीं से कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलेगी कि हाँ, आपको पता है ये सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, ये सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, देर आर डेली लाइव क्लासेस हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, अभी मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स सिखा रहा हूँ. थ्योरी ऑफ मशीन्स का मेरा कोर्स कंटिन्यूसली डे बाई डे चल रहा है. अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं सर. तो मैं बेसिक्स के साथ बिल्ड कर रहा हूँ, और वो बेसिक्स के साथ बिल्ड होते हुए पूरे सब्जेक्ट को आप कमांड कर सकते हो डेली लाइव क्लासेस. और वो भी ये नहीं कि बस लाइव क्लासेस के नाम पर लाइव क्लासेस, इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स के साथ. ये डेली लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है आपको इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स के साथ. एक सब्सक्रिप्शन और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है. डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं सर, और आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो ऑफलाइन मोड में भी. एंड ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट्स मिलते हैं. तो सब्सक्रिप्शन के, एक ही सब्सक्रिप्शन से इतने सारे एडवांटेजेस, इतने सारे फीचर्स आप अवेल कर सकते हो. सबसे अच्छी बात है कि आप इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स से सारे सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी से सीखने को मिलता है.
उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो सब्सक्रिप्शन के समय, अगर आप सब्सक्रिप्शन के समय एमटी लाइव यूज करते हो, तो आपको फर्दर और गाइडेंस और स्ट्रेटजी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आपको नोट्स देने वाला हूं मैं, प्रैक्टिस शीट्स देने वाला हूं, और प्रैक्टिस शीट्स भी ऐसी वैसी नहीं कि बस यू नो क्वेश्चंस के नाम पर क्वेश्चंस दे दिए। मेरे वीडियोस अगर आपने, कंटेंट वाले वीडियोस अगर आपने फॉलो किए हैं, तो आप जानते हो दैट मेरे प्रॉब्लम्स अनमैचेबल होते हैं। मेरे 100 प्रॉब्लम्स अगर आपने एक सब्जेक्ट में सॉल्व कर लिए, देन यू विल हैव दैट यू नो सेवेंथ स्काई कमांड, जो सातवें आसमान वाला जो कमांड होता है ना, सातवें आसमान वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सातवें आसमान वाला कॉन्फिडेंस आप में होगा अगर आपने मेरे दिए हुए, मेरे फॉर्मुलेट किए हुए 100 प्रॉब्लम्स एक सब्जेक्ट में सॉल्व कर ली। तो मैं ऐसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स देने वाला हूं अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आते हो तो। मैं आपके एक एक डाउट को सॉल्व करने वाला हूं, होमवर्क देने वाला हूं रेगुलरली। तो एक तरह से अगर आप एम टी लाइव यूज करते हो कोड, तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे और आपको स्ट्रेटजी में भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होगे, यू विल बी फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब आप बोलोगे ये सब कितने में अवेलेबल है? सर ये बहुत रीजनेबल है, बिलीव मी। गेट एंड ईएसई दोनों का सब्सक्रिप्शन, गेट और ईएसई दोनों का सब्सक्रिप्शन, कंबाइंड सब्सक्रिप्शन is available at just 25,000 rupees. 25,000 में है, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा कोड MTLIVE यूज करना है बेटा आपको, तो आपको जो मैंने सारे फीचर्स बताए, जो एडवांटेजेस बताए, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको 22,500 में अवेलेबल होगा, विच इज अनमैचेबल, बिलीव मी गाइस, विच इज अनमैचेबल। इतने रीजनेबल कास्ट में इतनी बेहतर प्रिपरेशन, इतनी गाइडेड और फोकस्ड और टारगेटेड प्रिपरेशन आपको एक्चुअली नहीं मिल सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल नहीं सकती, लेकिन उसके लिए आपको 3 गुना पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इक्वली गुड इंस्टीट्यूट्स आर देयर, बट उसके लिए आपके एक्सपेंसेस, आपकी जेब आपको 3 गुना भारी, 3 गुनी हल्का करना पड़ेगा आपको, आपकी जेब को, isn't it? जो मेरे दोस्त थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए बेस्ट है 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट जस्ट 30,000 rupees। देखो 1 ईयर में और 2 ईयर में ज्यादा गैप नहीं है, तो जो ईयर्स टारगेट कर रहे हो उनके लिए भी, जो एक साल यानी कि 2021 टारगेट कर रहे हो लेकिन ईयर्स, उनके लिए भी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि सर आप मेंस का एग्जाम देते देते तो आपको 1.5 साल हो ही जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सारे सब्जेक्ट्स को बार 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 कमांड करते रह सकते हो, रिपीट करते रह सकते हो, रिफाइन करते रह सकते हो। अगेन एम टी लाइव कोड यूज करना है आपको, MTLIVE कोड, MTLIVE यूज करोगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% एडिशनल डिस्काउंट यू विल बी अवेलिंग। बट आई एम सेइंग इट अगेन, डिस्काउंट एंड ऑल इज नॉट अ बिग थिंग, पर्सनल गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी वाइज आप एक एक बात को समझते रहो, कहाँ क्या गलती हो सकती है ये जानते रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स। 27,000 में 2 साल की गेट और ईएसई की जबरदस्त प्रिपरेशन आपको मिलती है, दिस इज बिलीव मी अनमैचेबल। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, इससे भी डिस्काउंट से भी बड़ी बात जो है, डिस्काउंट और कॉस्ट वो तो है ही, उससे भी जो बड़ी बात है वो है ये, वो है ये दैट मैं आपको अपनी छत्र छाया में रख के आपको यू नो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूं। पर्टिकुलरली जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो, दे मस्ट मेक इट श्योर कि अभी से अगर आप 2022 के लिए गाइडेड तरीके से चलोगे, फोकस्ड तरीके से चलोगे, टारगेटेड वे में चलोगे स्टेप बाय स्टेप, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। डबल डिजिट रैंक भी पॉसिबल है, आपके मेरे या यू नो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। तो सर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं
जो मार्केट में हैं और जो टीचर्स भी बताते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के मिस्टेक्स के लिए। तो क्या हैं मिस्टेक्स? सबसे पहला मिस्टेक, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से 9 out of 10 पीपल those who are watching this video and those who have attempted GATE and ESE must have committed these mistakes. आपने क्या किया? आपको बार बार यही तो बताया गया ना, that साल प्रीवियस ईयर, बेटा 20 बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो फिर आपकी गेट में डबल डिजिट रैंक कोई नहीं रोक सकता। लाइक सीरियसली ये वो लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, टैबलेट खा के मसल बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जो कोई किसी तरह का यू नो प्रोटीन या फिर एडिटिव खा के मसल्स बना लेना चाहते हैं। ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये टैबलेट आपको हेल्प नहीं करने वाली है सर। हाँ, प्रोटीन्स बुरे नहीं हैं, एडिटिव्स बुरे नहीं हैं, लेकिन वर्कआउट इज समथिंग दैट इज बेसिक, वर्कआउट इज समथिंग दैट इज फंडामेंटल, एंड यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट अ मिस्टेक दैट 10 बार प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो फिर तो आपसे कोई प्रॉब्लम बचेगा ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो रिपीट होता है। अच्छा जी, अगर ऐसा होता, ये वही बात हो गई ना कि आपने दीवारें नहीं खड़ी की, आपने खंबे नहीं खड़े किए, आपने नींव नहीं डाली, आपने बेसिक्स की, फंडामेंटल्स की जो नींव थी, जो दीवारें थी, वो नहीं बनाई, आप बस प्रीवियस ईयर की छत डालने लग गए उस पर। ऑल राइट, आप कलरिंग करने लग गए बहुत अच्छे से। सर, पहले आपके बेसिक्स मजबूत करो। आपने किया क्या? शायद आप अगर गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर चुके हो या आगे भी करने वाले हो तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप करने वाले हो, दैट आपको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। आप बोलोगे प्रीवियस ईयर सॉल्व करना गलती है, ये मिस्टेक कैसे हुआ? सर, ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी में प्रीवियस ईयर नहीं रहना चाहिए। प्रायोरिटी में क्या रहना चाहिए? प्रायोरिटी में रहना चाहिए आपके बेसिक्स, प्रायोरिटी में रहने चाहिए आपके बेसिक्स। बेसिक्स मतलब कम से कम 5 subjects। कौन से 5 subjects? मैकेनिकल में मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच में आप देख लेना कौन से 5 subjects हैं जिनको आप बेसिक्स कहते हो, जिनको आप फंडामेंटल्स कहते हो, जिनको आप न्यू कहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैकेनिकल में मैकेनिक्स, सोम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑफ कोर्स हीट ट्रांसफर, ये 6 subject मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 pillars हैं। लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते, लोगों को लगता है कि फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए। मैंने सर 20 साल 30 साल मार्केट में, तो ऐसे 30 years प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं और लोग उन्हीं में यू नो चंगीटते रहते हैं। चंगीटना जानते हो ना, किसी ने लिख दिया उसी के ऊपर आप भी चढ़ा रहे हो। तो सर चंगीटना नहीं है आपको, आपको यू नो थिकनिंग नहीं करनी है, आपको बेसिक्स स्ट्रांग करने हैं। कम से कम इन 6 subjects में मेक श्योर दैट या तो आप एक एक जबरदस्त बुक फॉलो करो, या तो आप एक एक जबरदस्त बुक फॉलो करो फंडामेंटल्स स्ट्रांग करने के लिए, या फिर बुक्स को सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई मेंटर, या फिर कोई ऐसा मेंटर हो, कोई ऐसा गाइड हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो एक्चुअली बुक्स को सब्स्टिट्यूट कर दे। ऑलराइट, इसमें भी आप बहुत सारे टीचर्स को ये कहते हो सुनोगे कि बेटा मेरे नोट्स कर लिए आपने तो बुक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस जो हमेशा बोलता रहता है कि सर फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप डबल डिजिट रैंक का सपना छोड़ दो, आज से छोड़ दो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई नहीं रुक रहा आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करने से। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करो, सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर नहीं, आप इसरो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो, ईएसई प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो, तो आप बाद में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लोग, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोग क्या करते हैं, लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, लोग क्या करते हैं, और ये स्मार्ट वर्ड मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला वर्ड है, मिसयूज होने वाला वर्ड है। लोग समझते हैं ये स्मार्ट है, लोग समझते हैं
ये स्मार्ट है, प्रॉब्लम्स के थ्रू कंसेप्ट्स बिल्ड करूंगा मैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू कंसेप्ट्स बिल्ड करूंगा मैं, लोग समझते हैं कि ये स्मार्ट है, एक्चुअली ये ओवर स्मार्टनेस है। क्यों? क्योंकि दुनिया के कुछ रूल हैं जो कभी नहीं बदले, और वो रूल हैं पहले फंडामेंटल्स, उसके बाद, पहले फंडामेंटल्स उसके बाद आप स्मार्ट बनने की कोशिश करो। मेक योर फंडामेंटल्स स्ट्रांग। ऑल राइट, कंसेप्ट्स पहले बिल्डअप करो, सब्जेक्ट के बारे में सीखो, एप्लीकेशंस के बारे में सीखो, यूजेस के बारे में सीखो कि कहां पर कौन से सब्जेक्ट का यूज है। मैं बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स को, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि यू नो गेट में रिसर्च नहीं करनी है, ध्यान रखना। लाइक सीरियसली, आप क्या समझते हो कि जो टॉप 100 में लोग आते हैं वो के क्या होते हैं? वो सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आ जाते हैं टॉप 100 में लोग? किसको बेवकूफ बना रहे हो सर आप? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों मिसगाइड कर रहे हो? व्हाई द हेल आर यू मिसगाइडिंग? आपने ईएस क्वालिफाई किया, आपने ईएस क्रैक किया, अगेन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपने ईएस क्वालिफाई किया, आपने ईएस क्रैक किया, तो आपने बिना बुक्स और बिना फंडामेंटल्स स्ट्रांग किए किया था क्या? नहीं। तो आप दूसरों को मिसगाइड क्यों कर रहे हो? टॉपर आते हैं, रैंकर आते हैं क्लास में, आप क्लास में बैठे हुए होते हो कोचिंग की क्लासरूम में, और रैंकर आके बताता है माइक पे कि मैंने तो एक्स वाई जेड कोचिंग जिसमें मैं खड़ा हूं इन्हीं का मटेरियल फॉलो किया था, इसके अलावा और कुछ छूना भी मत। अगेन सर, हो सकता है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता हो, हो सकता है उसके ऊपर उसको कहा जाता हो, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। अगर किसी की 100 के अंडर रैंक है गेट में या ईएससी में, तो उसने पक्का उसके फंडामेंटल्स पे काम किया है। उसने एक्सेप्शनल केसेस एक दो हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 90 टॉप रैंकर्स ने अपने फंडामेंटल्स पर काम करके ही वो रैंक अचीव की है। जब तक आप फंडामेंटल्स पे काम नहीं करोगे, नहीं होने वाला है कुछ, भूल जाओ। खुद को दिलासा, झूठी दिलासा देना छोड़ दो। कंसेप्ट्स पहले, एंड देन कंसेप्ट्स से आप प्रॉब्लम्स बनाने वाले हो। कंसेप्ट्स स्ट्रांग होंगे तो प्रॉब्लम्स बड़े आराम से बन जाएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कई बार जब मैं लोगों को ये फैक्ट बताता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सर मैंने सीरियसली, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने मेरी गेट प्रिपरेशन के समय मैंने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे। हार्डली टू थ्री ईयर्स, उससे ज़्यादा कोई प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम किया था। सो मेक श्योर दैट अगर आपने ये गलती कमिट की है, इफ़ यू हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, देन मेक श्योर दैट यू इम्प्रूव ओवर इट। आज के बाद से याद रख लेना सर, आज के बाद से याद रख लेना सर, दैट ये काम नहीं करेगा, काम ये करेगा। आपको पहले बेसिक्स स्ट्रांग करने होंगे, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल पे जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने बोला कि बेटा गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मैंने बोला इसरो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मैंने बोला इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। बंदा उठा, 500 की बुक ऑर्डर की, उसमें सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उसने यू नो 500 प्रॉब्लम्स एक सब्जेक्ट में सॉल्व कर डाले। एक सब्जेक्ट में उसने पर सब्जेक्ट, दैट एस्पायरेंट इज गोइंग टू डू व्हाट, दैट एस्पायरेंट इज पर सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू सॉल्व 500 प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस देखे, समझ लिया, सॉल्यूशंस देखे, समझ लिया, हाँ ये तो समझ में आ रहा है पूरा सर, जो जो सॉल्यूशन दिया हुआ था एक एक समझ में आ गया। वाओ, बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा सर। अब दूसरे को तैरते हुए देखोगे तो आप यही ना देखोगे कि हाथ चलाना है, पैर चलाना है, बहुत आसान है तैरना, बहुत आसान है। दूसरे को साइकिल चलाते हुए देखोगे तो आप कहोगे कि सर दो हाथों से हैंडल पकड़नी होती है और पैर इस तरह से घुमाने होते हैं पैडल पे, साइकिल अपने आप आगे बढ़ती रहती है, कितना आसान है, बहुत आसान है सर, पूरा समझ में आ गया मुझे। बहुत सारे लोगों को समझ में आता रहता है, 90% ऑफ द पीपल लुक एट सॉल्यूशंस एंड कन्विंस देमसेल्व्स कि मुझे तो सॉल्यूशन समझ में आ गया, और मुझे सॉल्यूशन समझ में आ गया तो यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको लगता है सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आप केपेबल हो गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको लगता है कि साइकिल चलाते देखकर किसी को आपने मैकेनिज्म समझ ली साइकिल चलाने की, कि दो हाथों से हैंडल पकड़ना होता है,
आंखें सीधी रोड पे रखनी होती हैं और पैरों को पैडल पे रख के घुमाना होता है, साइकिल अपने आप आगे बढ़ रही होती है। सर पूरा समझ गया मैं, सीरियसली साइकिल पे लोग उसी दिन जाके बैठते हैं जिस दिन वो एग्जाम हॉल में होते हैं और फिर ऐसा गिरते हैं ना कि इसी कहाँ कौन सी हड्डी टूटती है पता भी नहीं चलता है। सो गाइज मेक श्योर अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हो सॉल्यूशंस देख देख के और सॉल्यूशंस देख के आपको लगता है कि और आप खुद को कन्विंस भी कर लेते हो कि अरे मैंने ये टिपिकल सी प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन देखा और मुझे समझ में आ गया है ना, ये वाली साइकिल तो कोई नहीं चला पाता लेकिन मैंने इसको भी चलाते हुए देखा किसी और इंसान को और मैं इस साइकिल को कैसे चलाना ये भी समझ गया, क्या बात है। सर नहीं होने वाला, आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व जस्ट 100 प्रॉब्लम्स बट विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन मेक श्योर 500 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो बट मेक श्योर दैट आप कसम खा लो, आप जिद पकड़ लो, मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द सॉल्यूशंस, आप सॉल्यूशंस नहीं देखने वाले हो, कंसेप्ट पढ़ो एग्जाम्पल्स देखो उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हों या फिर बुक की एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स हों, लोग बुक्स के पीडीएफ सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, क्यों? क्योंकि सर मैं सॉल्यूशन देख के समझ लूंगा। ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे कौन सी दुनिया में होता है, आपको सर खुजाना पड़ेगा, आपको यू विल हैव टू स्क्रैच योर हेड एंड यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर 3-4 टाइम्स विद नंबर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स। आई एम सेइंग इट अगेन, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। सर आप 500 प्रॉब्लम्स मत सॉल्व करो, आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो बट मेक श्योर कि वो 100 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए, 100 प्रॉब्लम्स आपने बनाए, यू हैव यू नो इवॉल्व्ड द सॉल्यूशन ऑफ दोज 100 प्रॉब्लम्स एंड देन वो जो आप सर खुजाओगे ना, आप वो जो आप स्ट्रगल करोगे ना, दैट विल मेक श्योर कि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के सर ना खुजाना पड़े। जो पहले सर नहीं खुजाते हैं वो एग्जाम हॉल में बैठ के सर खुजाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहां थोड़ी ना होता है कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन समझ के बेटा टिक कर दो कि आपको समझ आया या नहीं। सो गाइज मेक श्योर दैट आप अगर ऐसे करते आए हो कुछ नहीं होने वाला, झूठी दिलासा देना बंद करो खुद को, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अनलेस यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। मैं ये नहीं कहता कि शुरू में आपको कुछ एग्जांपल्स समझने की जरूरत नहीं है, पहले आप कंसेप्ट समझो फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स से आप तरीके समझो, स्ट्रेटजी समझो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू ट्राई। ऑल राइट, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा सर, आपको यू नो बिल्ड करना पड़ेगा, आपको आपको बैट हाथ में उठाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस दूसरे को सॉल्व करते हुए देखा, दूसरे को साइकिल चलाते हुए देखा और फाइनल डे आप एग्जाम हॉल में गए तभी आप सीधे साइकिल पे बैठे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और खुद से करनी पड़ेगी एंड वो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंचाने वाला है। बिलीव मी गाइज, मैंने कई बार मेरी प्रिपरेशन के समय भी और मेरे एमटेक प्रोग्राम के समय भी कई बार प्रॉब्लम्स को यू नो प्रॉब्लम्स से मैं दुश्मनी मोल ले लेता था कि कैसे नहीं हुई, हाउ द हेल दिस प्रॉब्लम आई कुड नॉट क्रैक, कैसे नहीं हुई, जिद पकड़ लेना जिसको कहते हैं फाइटिंग एटीट्यूड, कि मैं 24 घंटे खुद को कंट्रोल में रखता था, मैं सॉल्यूशन तो नहीं देखूंगा चाहे जो हो जाए, 24 आवर्स सॉल्विंग इट मल्टीपल टाइम्स स्क्रैचिंग योर हेड एंड यू नो चेंजिंग योर अप्रोच कि होगा होगा होगा, कैसे नहीं होगा, इट इज actually going to happen, change your strategy and I'm pretty sure you're going to grab it. एक तीसरी mistake जो आजकल बहुत प्रचलन में है, आजकल fashion में है ये mistake, in today's scenario सिर्फ gate और ESE में नहीं लगभग सारे fields में ये एक ऐसी mistake है सर जो आजकल fashion में है। क्या है ये मिस्टेक? दैट ये वाली टेस्ट सीरीज अच्छी है, वो वाला अच्छा है, वो वाला ये अच्छा है, वो मेंटर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, वो बुक अच्छी है, अच्छा ये यहाँ से कर रहा है क्या, यहाँ से मैं भी कर लेता हूँ, ये वहाँ से कर रहा है क्या, वहाँ से मैं भी कर लेता हूँ।
तो कुछ लोग बेचैन होते हैं कलेक्शंस के लिए कि ये भी कलेक्ट कर लूँ, वो भी कलेक्ट कर लूँ, यहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ. सर, आई एम सेइंग इट अगेन, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, फोकस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आज के 100 साल पहले भी रूल ऑफ द गेम वॉज दिस ऑनली, टुडे अगेन रूल ऑफ द गेम इज दिस ऑनली, एंड 100 years later, rule of the game will be this only. There is no substitute of basics, fundamentals and knowledge. Knowledge, basics or fundamentals ka koi substitute nahi hai. And isliye make sure that aap bahut sare resources mein confused mat ho. Ki yahan se ye bhi kar liya, wahan se wo bhi kar liya, ye bhi grab kar liya. Achha, usne ye bataya kya? Not going to work. Not really going to work. Maximum 3 resources you need to follow. Make sure कि आपकी GATE और ESE की preparation में 3 से ज़्यादा resources आप नहीं follow करोगे. Test series की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. Test series आप multiple resources के follow कर सकते हो. लेकिन learning के लिए maximum 3 resources. कौन से हैं ये 3 resources? 1 book. For concepts, one book for concepts and for problems. एक आपको book follow करनी है कम से कम उन 5 subjects में, mechanics, SOM, TOM, FM and basic thermodynamics. इन 5 subjects में आपको आपके basics strong करने हैं sir. One mentor, कोई एक mentor आप choose कर लो, कोई भी mentor choose कर लो. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही select करना है आपको. कोई भी हर सब्जेक्ट का एक मेंटर आप सेलेक्ट कर लो कि ये सब्जेक्ट इस मेंटर ने, इस टीचर ने, इस एजुकेटर ने जिस तरह से मुझे बताया है इस तरह से मुझे फॉलो करना है. लेकिन अगर कोई टीचर आपको ये कह के बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हो जाएगा, डिस्कार्ड इट. मन में आप सोचते रहो बना रहा है, बना लेने दो. ऑलराइट, तो गाइज एक मेंटर आपको फॉलो करना है, एक बुक, एक मेंटर और ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट, इसरो दोनों प्रीवियस ईयर आपको खुद से करने हैं. अगर आप ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईएस प्रीवियस ईयर, फिर गेट प्रीवियस ईयर और फिर इसरो प्रीवियस ईयर, इस तरह से करना है. ये 3 रिसोर्सेस के अलावा आपको और कुछ भी फॉलो नहीं करना है. वन बुक, वन मेंटर एंड PYQs. 3 रिसोर्सेस बेस्ट पॉसिबल होंगे, बट मेक श्योर दैट आप खुद की कैपेबिलिटीज डेवलप करो. दूसरे बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स खरीदोगे, सॉल्यूशंस देखोगे, नॉट गोइंग टू वर्क, नेवर एवर गोइंग टू वर्क माय डियर फ्रेंड्स. आई जस्ट होप दैट इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिले. आई जस्ट होप दैट ये मिस्टेक्स आपने अगर कमिट की हैं तो आप रिपीट नहीं करोगे. आई जस्ट होप दैट अगर आपने अभी तक गेट और ESE के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, आप आगे देने वाले हो. इफ दोज आर द एग्जाम्स अपकमिंग फॉर यू इन फ्यूचर, देन आई जस्ट होप दैट यू विल अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स एंड यू विल बी एज सक्सेसफुल एज टॉप रैंकर्स आर. थैंक यू सो वेरी मच गाइज, माई हार्ट फिल्ड विशेज आर देयर विद यू. दिल से मेरी दुआ है कि आप तरक्की करो, आप क्रैक करो, आप जबरदस्त रैंक लेके आओ, आपका, आपकी सोसाइटी का, आपकी फैमिली का नाम रोशन करो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो सर. फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गेट ESE की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन जरूरी है. सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है. सब्सक्रिप्शन इज मोर देन वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं. मेरा थ्योरी ऑफ मशीन्स का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, 3 क्लासेस ही हुए हैं, अभी कोई देर नहीं हुआ है. यू कैन ज्वाइन मी, बहुत जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो आप, तो आप लैग भी नहीं करोगे. टॉप एजुकेटर्स, एक एक सब्जेक्ट के जबरदस्त मेंटर्स, जबरदस्त फैकल्टीज. एक सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं, एंड आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो. कई बार मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी मॉक टेस्ट्स आपको अनअकैडमी पर. अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे. देन यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर कि मैंने किसी और का कोड यूज किया तो आप मुझे अपनी पर्सनल गाइडेंस में क्यों नहीं ले सकते. क्योंकि सर अगर मैं इस चीज को कंडीशनल नहीं रखूंगा तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन,
ट्राई अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन दैट मेरे पास इतनी अनलिमिटेड भीड़ होगी कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा. मैं ऐसा कोई भी काम अपनी जिम्मेदारी पर नहीं लेना चाहता जिसको मैं जस्टिफाई ना कर सकूं. तो पर्सनल गाइडेंस का मतलब होता है कि एक एक स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकूं मैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, किस गलत रास्ते पर या सही रास्ते पर वो जा रहा है. इसलिए ये कंडीशनल प्रोग्राम है. अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो एम टी लाइव कोड यूज़ करके, तो आपको मैं प्रैक्टिस शीट्स देने वाला हूँ. क्वालिटी प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर. एक बुक और मेरे प्रॉब्लम्स एन प्री वाई क्यूज मोर देन एनफ फॉर डबल डिजिट रैंक. एंड मैं आपको डाउट सॉल्विंग देने वाला हूँ. आपका कोई भी डाउट होगा आई एम रेडी टू सॉल्व इट लाइक यू नो इवन ड्यूरिंग द मिडनाइट्स. पर्सनल गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी. अब ये सब आपको मिलता है सिर्फ 25,000 में. गेट एंड ईएसई का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट जस्ट 25,000. कोड यूज करोगे बेटा इट विल बी अवेलेबल एट 22,500 रुपीज. 22,500 में इतना सब कुछ पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है. जो लोग ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हों या जो लोग ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हों या गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हों, मेक श्योर माई डियर फ्रेंड्स दैट यू गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. क्यों? क्योंकि सर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की कास्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है. 25,000 है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है 30,000. एम टी लाइव कोड यूज़ करोगे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड आप इस सब्सक्रिप्शन को सिर्फ 27,000 में आपको मिलेगा. लेकिन मैं फिर से बता दूं, कास्ट तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है. आप देखोगे कहीं भी आपको इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में इतने टॉप एजुकेटर्स से सीखने का मौका नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ चांस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम सो मेनी टॉप एजुकेटर्स एट सच अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल गाइडेंस. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी कि आप एक मेंटर के अंडर में रहने वाले हो. आपको छींक भी आई ना तो आप कॉल करके पूछोगे कि सर छींक आना गेट की प्रिपरेशन के लिए अच्छा है या नहीं, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ रिस्पॉन्स ओवर इट. आई मीन आई एम किडिंग, यू नो आप कभी ऐसे नहीं करोगे. लेकिन द थिंग इज दैट आपको कहीं भी कोई डाउट हुआ, कहीं भी आपको लगता है कि ये इस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, तो आप को एक पता है कि एक पर्सनल मेंटर है मेरे पास, एक यू नो गाइड है मेरे पास, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है मेरे पास जो मुझे इस दुविधा से निकाल सकता है. हु कैन पुल मी आउट ऑफ दिस डिलेमा. ऑलराइट, सो गाइस टेक योर डिसीजन. ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन कीप रिसीविंग द नोटिफिकेशंस. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स, फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. जहाँ जाओ आप झंडे गाड़ते रहो सफलता के, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ आज का सेशन मैं वाइंड अप करता हूँ. सी यू सून अगेन वेरी वेरी अर्ली. थैंक यू.